बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फहद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिटलेक्ट, वेयर फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि हम आज बात करेंगे पुशअप्स के बारे में, खासतौर पर पुशअप्स सीखते किस तरह हैं, क्योंकि पुशअप्स मेरे खुद अपने लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। और आज तक मैं जितनी भी फीमेल और मेल फ्रेंड्स, जितने लोगों से बात करता हूँ, जो हमारे कॉमन मैंगो पीपल हैं, बड़े आम से लोग हैं, जो बेचारे वैसे जिम भी नहीं जाते, लेकिन कुछ ना कुछ वो अपने साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हैं, दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। और जब भी मैं उनको कहता हूँ कि आप पुशअप से स्टार्ट करें, पुलअप से स्टार्ट करें, स्क्वाट से स्टार्ट करें, तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको पता ही नहीं है कि पुशअप्स होती कैसे हैं, उनको पुशअप्स के नाम से ही खौफ आ रहा होता है। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत कारामद साबित होगी, खासतौर पर उन बिगिनर्स के लिए जो पुशअप्स करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है कि पुशअप जो एक्चुअल पुशअप है, आपको कहाँ से बिगिन करना है, ए से लेके जी तक कहाँ तक जाना है और कैसे आपको प्रोग्रेस करना है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बंदा चाहे दुबला पतला हो या मोटा हो, अपना बॉडी वेट अपने हाथों पर उठाना किसी के लिए कम बात नहीं होती। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वेरिएशन से, जो कि आपके लिए बहुत आसान है। आप ये हमें करके बताएंगी सबसे बेसिक वेरिएशन, और ये वो वेरिएशन है कि अगर किसी ने मुझसे कहा कि ये नहीं हो पा रहा, तो मेरा ख्याल से आपको इंटरेस्ट नहीं एक्सरसाइज करने में। ठीक है सर, प्लीज़ कीजिए। अपने बॉडी वेट को कोशिश ये करनी है कि आपका चेस्ट, आपके हिप्स और आपकी टांगें एक प्रोपोर्शन में हों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपने हाथों से अपना पूरा बॉडी वेट अपने हाथों से पुश करके इसको वापस ऊपर ला रही हैं। आप जब हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे होते हैं, ये मूवमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये वाला मूवमेंट जो है आपको एक एक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेवल 10 तक जाना है, तो ये लेवल 1 है, बल्कि मैं कहता हूँ कि लेवल 0.1 है। ये हर कोई कर सकता है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी वेरिएशन जो है, इसमें आपका इंक्लिनेशन लेवल जो है वो डिफरेंट है। पहले आपने विंडो सिल के एज के अगेंस्ट तकरीबन कोई 80 डिग्री या 70 डिग्री का एंगल था, अभी आप जाएंगे 45 डिग्री के एंगल पे। ये एंगल चेंज करना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ जब उस एंगल पे सही हो जाए, देन यू हैव टू लेवल अप। हमेशा याद रखें, जब तक आप अपने लेवल को अप नहीं करेंगे, आप कोई भी एक्सरसाइज में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और जैसे मैंने आपको कहा, ये बिगिनर है, तो ये जो वीडियो है ये पोजीशन ही बिगिनर्स के लिए है। तो बिगिनर्स अगर प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, आज तक ज़िंदगी में एक भी पुशअप नहीं लगाया है, तो ये बेहतरीन तरीका है आपका पुशअप सीखने का और उसमें प्रोग्रेस करने का। तो अगला वेरिएशन हमें इसला बताएंगे, इसला प्लीज। इसके लिए कोशिश ये करनी है, अभी आप सिर्फ ग्रिप करना और अपनी पोजिशन बनाना। इसमें पोजिशन आपको ये करनी है कि आप जब 45 डिग्री के एंगल पे आ गए, कोशिश आपको ये करनी है आपके चेस्ट, आपके हिप्स और आपकी टांगें एक लेवल में रहें। अगर ना भी रहें, तो ट्राई टू स्क्वीज योर सेल्फ, स्क्वीज योर वेट अप टू द सोफा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसलिए नीचे आया, आपको अपने चेस्ट को अपने हाथों के लेवल तक, कोशिश करनी है कि हाथों के लेवल तक आए। नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है, नीचे फिर ऊपर एक दफा और। आप देख सकते हैं जितनी मेहनत इन्होंने की है, इतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इनका बॉडी वेट बहुत कम है, उसके बावजूद भी इनको अपना बॉडी वेट बहुत भारी लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ इस काबिल नहीं होती कि आपका अपना बॉडी वेट उठा सके, जिसके लिए आपको एंगल्स पोजीशन करके आर्म्स को पहले स्ट्रेंथ फराहम करनी होगी, उसके बाद आप कहीं जाके इस काबिल होंगे कि आप नॉर्मल पुशअप्स कर सकें। तीसरी वेरिएशन जो हमें स्टार्ट करनी है, तीसरी वेरिएशन में आप बेसिकली जो पुशअप्स की एक्चुअल पोजीशन है आप उस पर आ जाएंगे, यानी आपको ज़मीन पर आ जाना है और आपको एक प्लैंक प्रैक्टिस करना है। अच्छा, जब हम पुशअप्स की बात करते हैं, पुशअप्स में दो एलिमेंट्स आते हैं, एक आपका स्टेबिलिटी एलिमेंट होता है, एक आपका पुश स्ट्रेंथ एलिमेंट होता है। स्टेबिलिटी का एलिमेंट आपके पास कहाँ आता है कि आप जब भी पुश करके अपने आप को ऊपर आते हैं, तो आपके कोर को, आपकी पूरी बॉडी को स्टेबल करना होता है अलॉन्ग विद द स्ट्रेंथ ऑफ योर आर्म्स। सबसे पहले वो प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम पुश एलिमेंट पर आएंगे। तो उसके लिए इसका हमें ये करके बताएंगे जो मैं अभी इनको करके बता रहा हूँ। सबसे पहले कोशिश ये करनी है आपको कि मैंने ये नोट किया कि बहुत दफ़ा लोग पुशअप्स करते हुए सबसे पहली गलती क्या करते हैं, अपने हाथों को बहुत आगे ले जाते हैं। ये गलती हमेशा कभी नहीं करनी, अपने शोल्डर से आगे हाथ नहीं, हाथ हमेशा अपने चेस्ट के नीचे रखना है ऐसे करके। और इसको नोट भी कर लें, एक दफ़ा आप नीचे आके चेक कर लें कि हाँ हमारे हाथ ऐसे ही हमारे चेस्ट के बराबर में आ रहे हैं, तो फिर आप ऊपर आके इस पोजिशन पर आ सकते हैं। इस पोजिशन को आपको
कोहनियों को लॉक करके आपने होल्ड करना है, ऊपर नहीं देखना, अपनी गर्दन को खामखा स्ट्रेन नहीं करना, नीचे देखें और इस पोजीशन को होल्ड करें जितना कर सकते हैं। बेसिकली ये प्लांक होती है, ये आपकी कोर स्टेबिलिटी और आपके फैट लॉस के लिए बहुत बेहतरीन वर्कआउट है, लेकिन ये आपके पुशअप्स के लिए जो आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी है उसको भी डेवलप करती है। तो इसका हमें करके दिखाएंगे। हाथ अपने चेस्ट के नीचे, ठीक है, कोशिश ये करनी है कि आपकी बॉडी पूरी स्टेबल रहे। आपने कोहनियाँ लॉक की हैं और अपने हिप्स थोड़े से ऊपर कीजिए। बस ये जो बॉडी है आपकी आइडियल बॉडी है, ये आपकी पूरी बॉडी मेंटेन हुई हुई है पूरे एक स्ट्रक्चर में, जो कि आपके हिप्स भी आउट नहीं है, चेस्ट भी आउट नहीं है और आपकी टांगें भी स्टेबल है। अब देखिए आप इस पोजिशन को कितना होल्ड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस प्लान को करें, आप अपनी बॉडी को स्टेबिलिटी पर बढ़ाएँ। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, तो रोज़ थोड़ा सा इसको 10 सेकंड बढ़ाएं, 5 सेकंड बढ़ाएं और अपने साथ स्टॉप वॉच रखें ताकि आप ट्रैक रख सकें कि आप कितनी डेवलपमेंट इस प्लांक में कर रहे हैं, ठीक है। चौथी वेरिएशन, जो बेसिकली तीसरी वेरिएशन ही है, इसमें आपको प्लांक होल्ड करना है लेकिन अपने प्लांक को थोड़ा सा डिफिकल्ट करना है अपने लिए, ताकि आप मेक श्योर कर सकें कि आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें होगा क्या, इसलिए आपको करके दिखाएंगे। इसका अच्छा, आपके हाथ चेस्ट से नीचे, ठीक है। अच्छा, आपको करना ये है कि कोशिश करें इसलिए एक टांग उठाने की, ठीक है। अब जैसे ही आपकी हिम्मत ख़त्म हो जाए, दूसरा पैर नीचे रख के आपको पहला पैर उठाना है, वहाँ तक आप होल्ड कर सकती हैं इसे। जब हो जाए तो नीचे रख दीजिए, अब दूसरा पैर उठाएं, हिप्स नीचे कीजिए। बॉडी एक लेवल में स्टेबल होनी चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये बिगिनर हैं तो ये पोजिशन थोड़ी सी आउट हो रही है, बट इट्स फॉर द सेक ऑफ योर ओन लर्निंग कि आपकी बॉडी एक स्ट्रेट प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा एलिमेंट जो हम पुशअप्स में यूज करते हैं वो है स्ट्रेंथ का एलिमेंट। जब आपकी पुश स्ट्रेंथ डेवलप होती है तो आप प्लांक पोजिशन से उस पोजिशन में इस काबिल होते हैं कि आप आ सकें कि अपनी बॉडी को अपर लेवल में पुश कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए बेसिकली आपने जो अभी तक मूवमेंट्स प्रैक्टिस किए हैं जो कि प्लैंक है, उसी का यूज़ करना है, लेकिन इसमें आपको प्लैंक्स भी दो तरह की करनी है। सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी है वही एल्बो लॉक करके अपनी प्लांक पोजीशन में आए और यहाँ से एल्बो प्लांक पोजीशन में आना है आपको, जैसे कि ये। अब यहाँ से पुश स्ट्रेंथ कैसे आएगी, यहाँ से पुश स्ट्रेंथ ऐसे आती है कि आपको एक आर्म की पुश स्ट्रेंथ यूज़ करते हुए दूसरे एल्बो की असिस्टेंस लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना लेफ्ट आर्म पुश करूँगा तो अपने राइट एल्बो की असिस्टेंस लूँगा, जैसे कि मैंने इसको ज़मीन में पुश किया, इस हाथ को यहाँ रखा, इस हाथ से अपने आप को पुश किया, यहाँ से अपनी एल्बो से अपने आप को पुश किया और फिर दोबारा मैं प्लांक पोजीशन में आया। यही काम अब मुझे दूसरे हाथ के साथ करना है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इस पोजीशन में आया, अब मुझे लेफ्ट एल्बो यूज़ करते हुए राइट हैंड का यूज़ करना है, जैसे कि ये। तो ये आपकी डायनामिक प्लैंक्स भी कहलाती हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आपकी पुश स्ट्रेंथ पर आर्म डेवलप हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लास्ट एलिमेंट, मैं इसको लास्ट नहीं कहूँगा क्योंकि इसके बाद बेसिकली आपके फुल पुशअप्स आते हैं, लेकिन फुल पुशअप्स तक जाने से पहले आपकी जो स्ट्रेंथ में डेवलपमेंट आई है, जो पुश स्ट्रेंथ में डेवलपमेंट आई है, उसको हम एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। इस एक स्टेप आगे ले जाने में आप करेंगे क्या, आप जब पुशअप्स करते हैं तो आप बेसिकली अपने हाथों को ज़मीन पर रखते हैं और अपने चेस्ट को ज़मीन तक टच करके दोबारा ऊपर लेकर आते हैं। इट्स अ फुल रेंज ऑफ मोशन, वील एक्चुअली वर्क विद अ पार्शियल रेंज ऑफ मोशन। पार्शियल रेंज ऑफ मोशन में क्या होगा, आपके दो स्टेप्स होते हैं आपकी मूवमेंट के, एक आपकी लोअर पुश और एक आपका अपर पुश। हम अपर पुश पे काम करेंगे, जिसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब इस्लाम में करके दिखाएंगे। इसका भी डू दी ऑनर्स, अपने हाथ अपने चेस्ट के बराबर रखिए और लेग्स आउट, हिप्स टाइट। हाँ, अब देखें आप जब इस्लाम नीचे जाएंगी तो शी विल जस्ट लीव हरसेल्फ ऑन द कुशन, ये बिल्कुल रिलैक्स करेंगे नीचे जाके। अब यहाँ जाके इनको अपने आर्म्स को यूज़ करते हुए अपने आप को पुश करना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि बॉडी लेवल में रहे। स्टार्ट करें, मच बेटर फॉर अ बिगिनर। इसमें कोशिश आपको ये करनी है, अपने आप हिप्स थोड़े से जी बिल्कुल ऊपर आइए। नॉट बैड फॉर अ बिगिनर, नॉट बैड एट ऑल। तो ये कुछ प्रोग्रेशन थी जो आपको कोशिश करनी है कि आप डे बाय डे प्रोग्रेस करें, क्योंकि अगर आप पुशअप्स करना चाहते हैं, आप सबसे पहले मसला सारा ये होता है कि आप पुशअप्स जो कर रहे हैं ना, आप माउंट एवरेस्ट की चोटी को देख रहे हैं।
जब भी माउंट एवरेस्ट चढ़ा जाता है या केटू की पहाड़ी चढ़ी जाती है, कोई भी दुनिया में कोई भी पहाड़ी सर की जाती है, तो हमेशा याद रखिए कि उन्होंने कैंप्स बनाए होते हैं, लेवल टू लेवल चढ़ा जाता है, एक ही दिन में पूरी चोटी नहीं चढ़ ली जाती। तो इसी तरह आपको जो मैंने पहले 70% एंगल पर 45% एंगल, फिर उसके बाद आपके पास जो आपने प्लैंक्स किए, फिर उसके बाद डायनामिक प्लैंक्स किए, फिर पुश स्ट्रेंथ बाय नॉर्मल प्लैंक टू एल्बो प्लैंक, फिर उसके बाद यूजिंग द कुशंस, दीज आर ऑल स्टेजेस दैट यू हैव टू गो थ्रू। अगर आप ये स्टेजेस के थ्रू जाना नहीं चाहते और एकदम से सारे काम करना चाहते हैं, तो यार सिंपल सी बात है, गरम गरम खाना आपको अच्छा लगता है तो वो आपका ही चलेगा, इसमें और किसी का कोई कसूर नहीं है।